स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर टेकी 2.0 में। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो नेक्स्ट फ़ोन बाई करने की और आपने बहुत ही रिसर्च कर ली है लेकिन एक अच्छा फ़ोन आप लोगों को नहीं मिला अभी तक, आप लोग डाउट में हो कि आखिर किस फ़ोन को हम खरीदें, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको मैं 5 फोन्स ऐसे दिखाने वाला हूँ जिनमें से 4 5G होने वाला है और एक 4G, और साथ ही साथ 5 ही फोन्स लेटेस्ट है। सो दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर आप एक नया फ़ोन खरीदना चाहते हो तो 15,000 के नीचे। लेकिन दो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात, डिटेल्स यानी कि ऑल स्पेक्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और छोटी मोटी जो एक्स्ट्रा स्पेक्स है ना, वो आपको जब आप लोग उस फोन को खरीदोगे तभी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो डिटेल्ड स्पेक्स की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ आप लोगों को मैं हाईलाइट्स दे दूंगा कि आखिर 15,000 के नीचे वो कौन से 5G फोन से जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होगा, और 4G फोन भी। हालांकि मैंने 4G को ज़्यादा चूज़ नहीं किया है इस वीडियो में, मैंने सिर्फ फोकस किया 5G के ऊपर। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब कि मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये नया है और ये आपका ही चैनल है, सिर्फ मैं होस्ट हूँ इस चैनल की और आपकी काम है सिर्फ सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4G फोन से। जो एक फोन मैंने चूज़ की है वो है पोको M5। ये मुझे बेस्ट फोन लगा अभी तक, लेटेस्ट जो भी 4G फोन्स मैंने देखा है उसमें से सबसे बेस्ट फोन मुझे ये लगा, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। गाइस, इसकी प्राइस है सिर्फ 12,499, मतलब कि 12,499 रुपये। और इसकी जो बेस वेरियंट है ना, वो आपको मिल जाएगा 6GB 128GB की, मतलब कि प्राइस के हिसाब से रैम और साथ में स्टोरेज बहुत ही अच्छा है। और एक बार मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इसमें 6.58 इंचेस की एक फुल HD+ डिस्प्ले, मतलब कि प्राइस के हिसाब से झक्कास। और साथ में आपको मिल जाएगा 90Hz की रिफ्रेश है और साथ में 500 nits की ब्राइटनेस। और गैस मैं आपको बता दूं, IPS LCD हालांकि इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ किया गया है बिल्ट करने के टाइम, तो इसकी ब्राइटनेस आपको बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें है मॉडरेट गेमिंग प्रोसेसर MediaTek Helio G99। और साथ में इसकी अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है और साथ में 18W की फास्ट चार्जर। दुखी मत हो क्योंकि 5000mAh की बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जर बेस्ट होता है। और गैस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जितना ज़्यादा फास्ट चार्जर उतना ही ज्यादा, मतलब उतना ही जल्दी बैटरी डैमेज होने की चांसेस। ओके, सो दिस ए बेस्ट कॉम्बिनेशन। और अगर बात करें कैमरा की तो 50+2+2 मेगापिक्सल्स की ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 2 और 2 जो साथ में है वो एक मैक्रो है और डेप्थ है। लेकिन फ्रंट कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, हालांकि बेटर देना चाहिए था लेकिन गाइस नहीं है इसमें। इसमें सर आप लोगों को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा, जो कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस पैक दिया गया है ना वो बेस्ट है। सो यू कैन गो फॉर दिस वन। ओके, आगे बढ़ते सेकेंड स्मार्टफोन की ओर। दूसरा फोन है Redmi 11 Prime 5G। ये एक 5G फोन है, इसकी बेस वेरियंट है 4GB+64GB और 6GB+128GB की, दो वेरियंट है। सवाल ये है कि आखिर कौन सा वेरियंट लेना सही होगा। आंसर है 4GB की, क्योंकि इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 13,499 और 6GB 128GB की प्राइस है 16,000। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 4GB वेरियंट की तरफ जाइए, ना कि 6GB वेरियंट की तरफ, क्योंकि उसमें आपको लॉस होगा। क्योंकि गाइस इस फोन में थोड़ा बहुत कमियां है, लेकिन 5G के हिसाब से जो 4GB वेरियंट है ना उसकी प्राइस बेस्ट है। सो आप लोगों को यही जो वेरियंट है ना खरीदना चाहिए। डिस्प्ले स्पेक्स की बात करें तो इसमें है 6.58 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले और साथ में 90Hz की रिफ्रेश रेट। लेकिन एक कमियां आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो है इसकी ब्राइटनेस। IPS LCD डिस्प्ले की ब्राइटनेस उतना भी कम नहीं होता है कि आउटडोर में आप लोग ना दिख पाओ, लेकिन इस फोन में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है आउटडोर में फ़ोन को चलाने में। ओके, मतलब कि थोड़ा बहुत ब्राइटनेस में कमी है। अगर आप लोग कस्टम रॉम्स को यूज़ करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो सकता है, लेकिन हाँ ब्राइटनेस में थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकता है बाहर, घर के अंदर नहीं। बात करें कैमरा की तो इसमें सिर्फ दो कैमरा है 50+2 मेगापिक्सल्स की और साथ में आप लोगों को मिल जाएगा एक डेप्थ सेंसर, मतलब कि जो 2 मेगापिक्सल है ना वो एक डेप्थ सेंसर है, मतलब कि सिर्फ दो ही कैमरा से 50+2। और फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल की, इसमें भी कंजूसी किया गया है। अब क्या किया जा सकता है, लेटेस्ट फोन में सिर्फ मैं देख रहा हूँ जो मेन कैमरा है ना वो ज़्यादातर 50 मेगापिक्सल्स की और बाकी कैमरा सिर्फ और सिर्फ 2 मेगापिक्सल्स की, चाहे डेप्थ हो चाहे मैक्रो हो। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ट्रेंड के साथ आपको एडजस्ट करना ही होगा। सो इसकी कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और डिस्प्ले में भी थोड़ा बहुत आपको कमी देखने के लिए मिल सकता है। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसमें है MediaTek Dimensity 700 एक प्रोसेसर, एक मॉडरेट गेमिंग प्रोसेसर है
और साथ में बैटरी में आपको मिल जाएगा 5000 एमएएच की बैटरी और साथ में अगेन 18 वाट की एक फास्ट चार्जर जो कि बहुत ही अच्छा है। तीसरा स्मार्टफोन है iQOO Z6 Lite 5G और ये फोन इस लिस्ट की सबसे ज्यादा बेस्ट स्मार्टफोन है। बेस्ट नहीं, बेस्ट स्मार्टफोन है, मतलब कि परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 14,000, मतलब कि 13,999। इसके डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें है 6.58 इंचेस की एक IPS LCD फुल HD प्लस डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, साथ में 500 नीट्स की ब्राइटनेस, मतलब कि मॉडिफाइड IPS LCD पैनल, ब्राइटनेस में कोई भी कमी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। बात करें अगर प्रोसेसर की तो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन की, मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 4-Gen-1 प्रोसेसर। भाई मैं क्या बताऊं, ये 5G स्मार्टफोन है और साथ में प्रोसेसर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपके लिए ये फ़ोन मैं तो कहूँगा कि बेस्ट, अगर मैं होता तो शायद ये फ़ोन लेता। लेकिन हाँ, कैमरा में कंजूसी है। इसकी पीछे की तरफ है 50+2 मेगापिक्सल की कैमरास, 2 मेगापिक्सल है डेप्थ कैमरा और 50 मेगापिक्सल है मेन कैमरा। तो इसमें बैटरी है 5000 mAh की और साथ में 18 वाट की एक फास्ट चार्जर। नंबर 4 स्मार्टफोन है Realme Narzo 9i 5G। इसकी बेस वेरिएंट है 4GB प्लस 64GB और इसकी प्राइस है 14,490 रुपये और ये 5G स्मार्टफोन है। डिस्प्ले की अगर बात करें तो इसमें है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ज की रिफ्रेश रेट। कैमरास की अगर बात करें तो पीछे की तरफ है 50+2+2 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरा सेटअप और 2 मेगापिक्सल मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ, वही मतलब बोरिंग वाला कैमरा, आप क्या कर सकते हैं। और फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल की। बात करें अगर इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर थोड़ा खतरनाक है, मतलब कि अच्छा है। इसमें है मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर जो कि मॉडर्न से थोड़ा बहुत हाई की तरफ जाता है, सो प्रोसेसर अच्छा है प्राइस के हिसाब से। और अगर बात करें बैटरी की तो इसमें है 5000 mAh की बैटरी और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जर। ओके, सो Realme की तरफ से लेटेस्ट ये एक 5G स्मार्टफोन है, यू कैन चेक नाउ। लास्ट स्मार्टफोन यानी कि नंबर 5 स्मार्टफोन है Vivo T1 5G। इसके बेस फ्रेंड है 4GB प्लस 64GB और प्राइस है 14,500, मतलब कि 14,499, एक ही बात है। और इसमें है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। पर्सनली मैं Vivo को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग पसंद कर सकते हो, सो ये आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से अच्छा है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इस फ़ोन को शामिल रखा है, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस और ना चॉइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ अच्छा है, मतलब कि एक बैलेंस में है, उस चीज़ को दिखाना या फिर आप लोगों के साथ शेयर करना मेरी ड्यूटी है। सो आप लोग जो है इस फोन को बाय कर सकते हो। बात करें अगर इसकी प्रोसेसर और कैमरास की तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर, साथ में 50+2+2 मेगापिक्सल की पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास की सेटअप, जिसमें डेप्थ एंड आपको जो मैक्रो कैमरा है ना देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसकी फ्रंट कैमरा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें है 16 मेगापिक्सल की एक फ्रंट कैमरा। इस फोन में कैमरास में कोई भी कमी मुझे नहीं लगा, हालांकि पीछे की तरफ जो है मुझे कमी लगा, लेकिन फ्रंट कैमरा में कोई भी कमी नहीं। इसमें 5000 mAh की बैटरी और साथ में 18 वाट की एक फास्ट चार्जर। सो ये रहा लेटेस्ट 5 फोन्स 4G एंड साथ में 5G 15,000 के नीचे, जहाँ से कि आप लोग जो है चूज़ कर सकते हो कि आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। अगर आपके मन में किसी भी तरह की डाउट है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट होगा, तो मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको रिप्लाई करके। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस फाइकी चैनल को, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ रहो, इस चैनल के साथ रहो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।